100 बच्चों की समस्या है, ट्रांसफर पोस्टिंग की समस्या है, 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय करके विद्यालय जाने की समस्या है। इस महंगाई के दौर में 300 रुपया प्रतिदिन मिलता हो और उसमें 200 से 250 रुपया पेट्रोल में चला जाता हो, महिला अनुदेशकों की शादी किसी और जनपद में, नौकरी किसी और जनपद में, उनकी एक अलग प्रकार की समस्या है। तो पूरा जो अनुदेशक का जॉब है और अनुदेशक की नौकरी है, और वास्तव में हमें तो समझ में ही नहीं आता है कि हम रोजगार प्राप्त है, हमें पूर्ण रोजगार मिला है या अर्ध रोजगार मिला है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कहा जाता है कि आप अनुदेशक की नौकरी को छोड़कर कोई और नौकरी नहीं कर सकते हैं सर। ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भराया जा रहा है सर, इसमें 5 नंबर पॉइंट पे लिखा है कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी और जॉब में पार्टली या फुली आप उसमें नहीं जा सकते हैं। अब ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, आप हमको 300 रुपया प्रतिदिन दोगे, 9000 रुपया प्रतिदिन दोगे, वो भी इधर अप्रैल से दे रहे हो, पहले तो आप 7000 रुपया दे रहे थे, हमारा 17005 था उसको आपने नहीं दिया, हाई कोर्ट की बात को आप नहीं मानते हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है 17.9% ब्याज की दर से दो, लखनऊ हाई कोर्ट कहता है 9% ब्याज की दर से मार्च 2017 से इनका 17000 दो, लेकिन आप किसी की बात नहीं मानते हो। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्म निकालते हो उसमें कहते हो कि आप अनुदेशक की नौकरी छोड़कर किसी और नौकरी पाटली या भूली नहीं कर सकते हो। अब आप बताइए हम पे कितना बड़ा अपना कितना बड़ा शोषण हमारा हो रहा है, हमको तो बंधुआ मजदूर बना लिए हैं। जैसे पहले वो श्वेत और श्वेत की लड़ाई होती थी, आप हमको 9000 दोगे, आप हमको 7000 दोगे, आप हमारे ब्लॉक में हमारी ट्रांसफर नहीं करोगे, महिला निदेशक की जहाँ शादी होगी वहाँ आप ट्रांसफर नहीं करोगे, 100 से कम बच्चा होगा तो हमको नौकरी से निकाल दोगे। आप बताइए सर, क्या एक विद्यालय में 16 अध्यापक हो, 20 अध्यापक हो, 25 अध्यापक हो और 100 से कम बच्चे हो जाते हैं, वो आप 16 लोगों को 16 × 80000 दोगे? जब 100 से कम बच्चे हो जाएंगे तो 16000 × 80000 दोगे, लेकिन 9000 × 3 नहीं दोगे, 9000 × 1 नहीं दोगे, 9000 × 2 नहीं दोगे, और आप कहोगे कि आप हमारे बंधुआ मजदूर हो, आप केवल और केवल 7:30 से 1:30 बजे तक हमारे विद्यालय में आओ और 1:30 बजे के बाद भी आप कहीं नौकरी करने मत जाना, आप किसी और के काम मत जाना। हमारे अनुदेशकों की स्थिति इतनी खराब है, अभी आपने देखा होगा मीडिया में प्रयागराज के अनुदेशक, भदोही के अनुदेशक, प्रत्येक जनपद में ऐसे 1000 अनुदेशक है।